आज हम बनाने वाले हैं एक एक्सट्रीमली टेस्टी स्टीम्ड स्नैक फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका नाम है बफौरी। बफौरी दाल से बनाया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच और न्यूट्रिशियस है। साथ ही इसमें बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करके इसे सॉफ्ट और हल्का भी बनाया जाता है, और इसे आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक के रूप में चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है बफौरी। इसके लिए हमने लिया है चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, इसको हमने रात में सोख कर लिया था, ग्रीन चिली, सॉल्ट, राई, लौकी, लौकी को हमने काट लिया है, करी पत्ता, अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, ऑयल। अब हम ग्राइंडर में सारी दालों को पीस लेंगे। दाल हमारी पीस चुकी है, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें अनियन, लौकी, कैरेट, कैप्सिकम, सॉल्ट, अब इसको मिक्स करके हम स्टीमर में रख देंगे। अब हम इसको इडली के सांचे में स्टीमर में रखेंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए स्टीमर में रख देंगे। बफौरी स्टीम हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें ऑयल डाल देंगे, राइस, करी पत्ता। अब हम इसमें स्टीम्ड की हुई बफौरी को ऐड कर देंगे। बफौरी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बनकर तैयार है स्टीम्ड बफौरी।